10 के स्पॉन्सर हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए जानेंगे 4 मई की टॉप 10 न्यूज। मोरक्को और अल्जीरिया में कोरोना वायरस के भारतीय स्ट्रेन के केसेस आए सामने। मोरक्को की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 अफराद के भारतीय कोरोना स्ट्रेन से मुतासिर होने की इत्तला। दूसरी तरफ अल्जीरिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया टिपाजा प्रिंस में भी इस तरह के 6 केसेस हुए रिपोर्ट। भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी, कोरोना की वजह इस वक्त भारत का हाल बेहाल। इसी दरमियान गूगल के CEO सुंदर पिचाई के इस बयान से लोग हुए मजीद खौफजदा। सुंदर पिचाई ने कहा मजीद मुश्किलात पैदा करने वाला है आने वाला वक्त। भारत में कोरोना की पॉजिटिव की शरह में हो रही कमी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया ऑक्सीजन की बढ़ती हुई तलब के बावजूद मुल्क में ऑक्सीजन का काफ़ी ज़खीरा मौजूद। दावा भी किया मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑक्सीजन कर रहे दरामद। मुंबई के एक स्कूल टीचर दत्तात्रेय सावंत बने कोविड सिपाही, अपने ऑटो रिक्शा को मोबाइल एम्बुलेंस में किया तब्दील, कोविड मरीजों को मुफ्त में पहुंचा रहे अस्पताल। सावंत ने कहा जब तक कोविड की लहर जारी रहेगी तब तक इस खिदमत को रखेंगे जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का भारत में बढ़ते कोरोना केसेस पर काबू पाने हुकूमत को मशवरा, मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन ही अब है वाहिद हल। ट्वीट कर कहा हुकूमत अदालती निज़ाम के तहत गरीबों और मजदूरों को तहफ़ुज फराहम कर इस वबा को रोकने, मुकम्मल लॉकडाउन ही अब वाहिद तरीका। भारत में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे के दौरान व्यापारी तंजीम की जानिब से लॉकडाउन नाफिस करने के सिलसिले पर किया गया एक सर्वे। सर्वे रिपोर्ट में 67% लोग लॉकडाउन के हक में। सर्वे के बाद लॉकडाउन लगाने PM मोदी से व्यापारियों की ख्वाहिश। भारत में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 2 करोड़ से ज़्यादा, अमेरिका के बाद पहुंचा दूसरे मुकाम पर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 357,229 नए पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज। इसी दौरान 3,20,000 से भी ज़ायद मरीज हुए सेहतयाब, जबकि 3,450 अफराद की हुई मौत। वेस्ट बंगाल समेत मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर दिया गया इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल पर 15 पैसे जबकि डीजल पर 18 पैसे का किया गया इजाफा। आखिरी मरतबा 27 फरवरी को पेट्रोल और डीजल के दामों का हुआ था इजाफा। हैदराबाद जू के 8 बब्बर शेरों में कोरोना की अलामत, जू के शेरों का गोश्त ना खाने और नाक बहने की शिकायत पर एनिमल डॉक्टर्स ने उनके कोरोना सैंपल्स मुआयने के लिए रवाना किए। अगर हैदराबाद में इन जानवरों की कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक होती है तो ये भारत में शेरों में कोरोना का होगा पहला केस। तेलंगाना काबीना से बरतरफ एटेला राजेंद्र ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले, गनमैन्स और सिक्योरिटी को कर दिया वापस। ज़िला मेदक में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों के इल्ज़ाम पर चीफ मिनिस्टर केसिया ने उनको काबीना से कर दिया था बरतरफ। BBN टॉप 10 न्यूज़ की ये थी आज की 10 अहम खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए BBN चैनल।